इस वीडियो में हम बेहतरीन तीन ओपनर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर के बीच टेस्ट, ओडीआई, टी20आई और आईपीएल बैटिंग करियर कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्विंटन डिकॉक का जन्म 1992 में हुआ था, रोहित शर्मा का जन्म 1987 में हुआ था और डेविड वार्नर का जन्म 1986 में हुआ था। क्विंटन डिकॉक की करंट एज 31, रोहित शर्मा की करंट एज 36 और डेविड वार्नर की करंट एज 37। क्विंटन डिकॉक की हाइट 5'7" और वेट 66 kg, रोहित शर्मा की हाइट 5'8" और वेट 72 kg और डेविड वार्नर की हाइट 5'7" और वेट 65 kg। क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन है, रोहित शर्मा टीम इंडिया के कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं, रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन और ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं और डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं। अब बात करते हैं उनके टेस्ट बैटिंग करियर के बारे में। क्विंटन डिकॉक ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, रोहित शर्मा ने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और डेविड वार्नर ने 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट में क्विंटन डिकॉक ने 54 मैच खेली है, रोहित शर्मा ने 52 मैच और डेविड वार्नर ने 110 मैच खेली है। क्विंटन डिकॉक ने 91 पारियों में कुल 3300 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 88 पारियों में कुल 3677 रन बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 201 पारियों में कुल 8651 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 6 बार नॉट आउट रहे हैं, रोहित शर्मा ने 9 बार और डेविड वार्नर ने 8 बार नॉट आउट रहे हैं। क्विंटन डिकॉक की बेहतरीन स्कोर 141 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 212 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 335 अगेंस्ट पाकिस्तान। टेस्ट में क्विंटन डिकॉक की बैटिंग औसत 38.80, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 46.50 और डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 44.85। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग स्ट्राइक रेट 70.95, रोहित शर्मा की बैटिंग स्ट्राइक रेट 56.30 और डेविड वार्नर की बैटिंग स्ट्राइक रेट 70.50। क्विंटन डिकॉक ने 6 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी बनाई है, रोहित शर्मा ने 10 सेंचुरी और 16 हाफ सेंचुरी बनाई है और डेविड वार्नर ने 26 सेंचुरी और 34 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्विंटन डिकॉक ने 34 छक्के और 411 चौके लगाए हैं, रोहित शर्मा ने 80 छक्के और 394 चौके लगाए हैं और डेविड वार्नर ने 69 छक्के और 1021 चौके लगाए हैं। क्विंटन डिकॉक 4 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, रोहित शर्मा ने 4 बार और डेविड वार्नर ने 8 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। टेस्ट में क्विंटन डिकॉक की करंट एसिस्ट रैंक 100+, रोहित शर्मा की करंट एसिस्ट रैंक नंबर 10 और डेविड वार्नर की करंट एसिस्ट रैंक 27। अब बात करते हैं उनके ओडीआई बैटिंग करियर के बारे में। क्विंटन डिकॉक ने 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और डेविड वार्नर ने 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। ओडीआई में क्विंटन डिकॉक ने 155 मैच खेली है, रोहित शर्मा ने 262 मैच और डेविड वार्नर ने 161 मैच खेली है। क्विंटन डिकॉक ने 155 पारियों में कुल 6770 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 254 पारियों में कुल 10709 रन बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 159 पारियों में कुल 6932 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 7 बार नॉट आउट रहे हैं, रोहित शर्मा ने 34 बार और डेविड वार्नर ने 6 बार नॉट आउट रहे हैं। क्विंटन डिकॉक की बेहतरीन स्कोर 178 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा के बेहतरीन स्कोर 264 अगेंस्ट श्रीलंका और डेविड वार्नर के बेहतरीन स्कोर 179 अगेंस्ट पाकिस्तान। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग औसत 46.05, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 49.15 और डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 45.30। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग स्ट्राइक रेट 96.85, रोहित शर्मा की बैटिंग स्ट्राइक रेट 91.95 और डेविड वार्नर की बैटिंग स्ट्राइक रेट 97.25। क्विंटन डिकॉक ने 21 सेंचुरी और 30 हाफ सेंचुरी बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 31 सेंचुरी और 55 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 22 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 118 छक्के और 771 चौके लगाए हैं, रोहित शर्मा ने 323 छक्के और 987 चौके लगाए हैं और डेविड वार्नर ने 129 छक्के और 733 चौके लगाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 19 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, रोहित शर्मा ने 24 बार और डेविड वार्नर ने 18 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। ओडीआई में क्विंटन डिकॉक की करंट एसिस्ट रैंक नंबर 5, रोहित शर्मा की करंट एसिस्ट रैंक नंबर 4 और डेविड वार्नर की करंट एसिस्ट रैंक नंबर 6।
आप बात करते हैं उनके T20I बैटिंग करियर के बारे में। क्विंटन डिकॉक ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I डेब्यू किया। रोहित शर्मा ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20I डेब्यू किया और डेविड वार्नर ने 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I डेब्यू किया। T20I में क्विंटन डिकॉक ने 80 मैच खेली है, रोहित शर्मा ने 148 मैच और डेविड वार्नर ने 99 मैच खेली है। क्विंटन डिकॉक ने 79 पारियों में कुल 2277 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 140 पारियों में कुल 3853 रन बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 99 पारियों में कुल 2894 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 9 बार नॉट आउट रहे, रोहित शर्मा ने 15 बार और डेविड वार्नर ने 11 बार नॉट आउट रहे। क्विंटन डिकॉक की बेहतरीन स्कोर 100 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 118 अगेंस्ट श्रीलंका और डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 100 अगेंस्ट श्रीलंका। T20I में क्विंटन डिकॉक की बैटिंग औसत 32.50, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 30.80 और डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 32.90। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग स्ट्राइक रेट 137.35, रोहित शर्मा की बैटिंग स्ट्राइक रेट 139.25 और डेविड वार्नर की बैटिंग स्ट्राइक रेट 141.30। क्विंटन डिकॉक ने 1 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी बनाई है, रोहित शर्मा ने 4 सेंचुरी और 29 हाफ सेंचुरी बनाई है और डेविड वार्नर ने 1 सेंचुरी और 24 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्विंटन डिकॉक ने 86 छक्के और 235 चौके लगाए हैं, रोहित शर्मा ने 182 छक्के और 348 चौके लगाए हैं और डेविड वार्नर ने 105 छक्के और 296 चौके लगाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 4 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, रोहित शर्मा ने 12 बार और डेविड वार्नर ने 11 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। T20I में क्विंटन डिकॉक की करंट एसिस रैंक नंबर 17, रोहित शर्मा की करंट एसिस रैंक नंबर 59 और डेविड वार्नर की करंट एसिस रैंक नंबर 54। आप बात करते हैं उनके अक्रॉस ऑल फॉर्मेट की बैटिंग करियर के बारे में। क्विंटन डिकॉक ने 2012 से अब तक कुल 289 मैच खेली है, रोहित शर्मा ने 2007 से अब तक कुल 462 मैच खेली है और डेविड वार्नर ने 2009 से अब तक कुल 370 मैच खेली है। क्विंटन डिकॉक ने 325 पारियों में कुल 12,347 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 482 पारियों में कुल 18,235 रन बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 459 पारियों में कुल 18,477 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 22 बार नॉट आउट रहे, रोहित शर्मा ने 62 बार और डेविड वार्नर ने 25 बार नॉट आउट रहे। क्विंटन डिकॉक की बेहतरीन स्कोर 178 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 264 अगेंस्ट श्रीलंका और डेविड वार्नर की बेहतरीन स्कोर 335 अगेंस्ट पाकिस्तान। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग औसत 40.85, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 43.40 और डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 42.60। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग स्ट्राइक रेट 92.80, रोहित शर्मा की बैटिंग स्ट्राइक रेट 87.05 और डेविड वार्नर की बैटिंग स्ट्राइक रेट 86.25। क्विंटन डिकॉक ने 28 सेंचुरी और 66 हाफ सेंचुरी बनाई है, रोहित शर्मा ने 45 सेंचुरी और 100 हाफ सेंचुरी बनाई है और डेविड वार्नर ने 49 सेंचुरी और 93 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्विंटन डिकॉक ने 237 छक्के और 1417 चौके लगाए हैं, रोहित शर्मा ने 584 छक्के और 1729 चौके लगाए हैं और डेविड वार्नर ने 303 छक्के और 2049 चौके लगाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 27 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, रोहित शर्मा ने 40 बार और डेविड वार्नर ने 37 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। आप बात करते हैं उनके आईपीएल बैटिंग करियर के बारे में। क्विंटन डिकॉक ने 2015 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया, रोहित शर्मा ने 2008 में केकेआर के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया और डेविड वार्नर ने 2009 में सीएसके के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया। आईपीएल में क्विंटन डिकॉक ने 96 मैच खेली है, रोहित शर्मा ने 243 मैच और डेविड वार्नर ने 176 मैच खेली है। क्विंटन डिकॉक ने 96 पारियों में कुल 2907 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 238 पारियों में कुल 6211 रन बनाए हैं और डेविड वार्नर ने 176 पारियों में कुल 6397 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 6 बार नॉट आउट रहे, रोहित शर्मा ने 28 बार और डेविड वार्नर ने 22 बार नॉट आउट रहे। क्विंटन डिकॉक के बेहतरीन स्कोर 140 अगेंस्ट केकेआर, रोहित शर्मा के बेहतरीन स्कोर 109 अगेंस्ट केकेआर और डेविड वार्नर के बेहतरीन स्कोर 126 अगेंस्ट केकेआर। आईपीएल में क्विंटन डिकॉक की बैटिंग औसत 32.30, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 29.50 और डेविड वार्नर की बैटिंग औसत 41.50। क्विंटन डिकॉक की बैटिंग स्ट्राइक रेट 134.25, रोहित शर्मा की बैटिंग स्ट्राइक रेट 130.05 और डेविड वार्नर की बैटिंग स्ट्राइक रेट 139.90। क्विंटन डिकॉक ने 2 सेंचुरी और 20 हाफ सेंचुरी बनाई है, रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी और 42 हाफ सेंचुरी बनाई है
और डेविड वार्नर ने 4 सेंचुरी और 61 हाफ सेंचुरी बनाई है। क्विंटन डिकॉक ने 114 चौके और 287 चौके लगाए हैं। रोहित शर्मा ने 257 चौके और 554 चौके लगाए हैं। और डेविड वार्नर ने 225 चौके और 647 चौके लगाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 6 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। रोहित शर्मा ने 19 बार और डेविड वार्नर ने 18 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। टाटा आईपीएल 2024 में क्विंटन डिकॉक की आईपीएल सैलरी 6 करोड़ 75 लाख, रोहित शर्मा की आईपीएल सैलरी 16 करोड़ और डेविड वार्नर की आईपीएल सैलरी 6 करोड़ 25 लाख। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनली मुझे लगता है टेस्ट में नंबर 1 पर आते हैं डेविड वार्नर, नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा और नंबर 3 क्विंटन डिकॉक। ओडीआई में नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा, नंबर 2 पर आते हैं क्विंटन डिकॉक और नंबर 3 डेविड वार्नर। T20I में नंबर 1 पर आते हैं डेविड वार्नर, नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा और नंबर 3 क्विंटन डिकॉक। और आईपीएल में नंबर 1 पर आते हैं डेविड वार्नर, नंबर 2 पर आते हैं क्विंटन डिकॉक और नंबर 3 रोहित शर्मा। गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट बैट्समैन कौन है कमेंट में बताइए। और अगला वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।